आपको आपको थोड़ा सा रोकना चाहेंगे, साथ में जुड़े रहिएगा हमारे साथ। इस समय लाइन पर बीजेपी नेता उत्पल राय जुड़ चुके हैं। उत्पल जी, मुलायम सिंह यादव आज 8:16 पे हम सबको छोड़ के चले गए हैं, देश प्रदेश की उनके साथ बहुत ही शोकाकुल जनता है, क्या कहेंगे आप इस पे? जी मनीष जी, मुलायम सिंह यादव जी, मैं तो ये कहूंगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बाद इस देश में नेता की उपाधि उनको दी गई और एक धरती से जुड़े हुए व्यक्ति थे, उनको हम लोग धरती पुत्र मुलायम सिंह भी कहते थे जी। और उनके सरल स्वभाव के थे। मुझे तो दो तीन घटनाएं ऐसी स्मरण आती हैं, इतना दुख है, स्तब्ध हूँ उनके निधन से। कि एक बार मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र संघ का जब उपाध्यक्ष हुआ था जी, ये बात है लगभग 94 की, तो नेताजी से मैंने एक तारीख लिया था ज्वाइनिंग का, और संयोग कोई कार्यक्रम था इलाहाबाद में, एक और अन्य कार्यक्रम एक दिन पहले पड़ गया जी। नेताजी ने कहा कि उत्पल जी उसी दिन आप रख लीजिए। मैं उसमें बहुत कम उम्र थी हमारी, मैं थोड़ा हट कर गया। हमने कहा नेताजी अगर मैंने इतनी व्यवस्थाएं की है तो आप एक दिन पहले आएंगे तो कैसे हो सकता है, संभव नहीं है। सारे मतलब कम से कम 30 किलोमीटर दूर इलाहाबाद लखनऊ रोड पे गेट बन रहे हैं लोग वहां पे, तो मेरी बातों को इतना सरलता सहजता पूर्वक इतने बड़े नेता होकर सुने। और उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, एक दिन रुके रहे कि दूसरे दिन हमको ज्वाइनिंग कराए और सब किए। एक घटना ऐसी याद आती है, मैं बनारस में एक बहुत बड़ा सम्मेलन करवाया था जी, जिसमें नेताजी के साथ गाड़ी पे बैठ के चलना हुआ जी। तो जैसे वो देखते थे, जैसे निकट आते थे रैली स्थल पर, तो नौजवानों को देखते थे जिंदाबाद करते हुए जाते थे। कुछ चूंकि उस समय 31 दिसंबर था, बहुत ही ठंड था, कुछ लोग ऐसे चलते थे, कुछ लोग नारे लगा के चलते थे, तो कहते देखो देखो लोहिया जी कहा करते थे जी, जिंदा कौन है। तो उनकी घटनाएं याद आती हैं, बहुत सरल सहज और ऐसा व्यक्तित्व, अब हमको नहीं लगता देश में कोई इस तरह का व्यक्तित्व है, बहुत ही दुखद रहा मनीष जी। जी जी उत्पल जी, बहुत ही शोक वाली ये सूचना है, और आप देख भी पा रहे हैं कि बराबर कहीं ना कहीं प्रकृति भी अपना शोक इस पे जाहिर कर रही है, अपना दुख इस पे जाहिर कर रही है, क्योंकि दो दिन से लगातार बारिश हो रही थी और आज मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया सुबह 8:16 पे। रो रही हो, सही कहा आपने, एकदम सही संज्ञा लिया जी। और इसमें एक बार आप एक घटना और मैं जोड़ना चाहता हूँ, किस स्वभाव के थे वो जी, विपक्ष के इतने बड़े नेता थे, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जब अंतिम वो हो रहा था, उसकी जिक्र भी कई बार प्रधानमंत्री जी ने किया, तो उन्होंने कहा नहीं, प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं ये सबको लेके चलते हैं, और शुभकामनाएं दिया। पूरा विपक्ष इस पर था कि क्या कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने को रोका नहीं, उन्होंने सबके सामने खुले और बड़े मन से कहा कि मैं चाहूंगा पुनः आप प्रधानमंत्री के रूप में 2019 में सदन में बैठे। ये कितनी बड़ी बात है अगर सोचिए जी, ये सामान्य आदमी कोई कह सकता है जी? जी, वो बड़े दिल के विराट हृदय के व्यक्ति थे, और समाजवादियों में उनका एक अलग वो था। हमको तो कई घटनाएं, क्योंकि जैनेश्वर जी हमारे पारिवारिक सदस्य की तरह थे, हमारे गार्जियन रूप में थे, तो कुछ अगर कहते थे तो इतने सरलता सुनते थे। मुझे एक घटना और याद आती है, सुबह 5 बजे का समय था और सरकार की निकायों से बर्खास्त की गई थी, तो मेरे पिताजी चूंकि शिक्षक थे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आचार्य थे, तो वो बहुत ही कठोर शब्दों में कुछ बात कर रहे थे, और नेताजी पूरे उनकी बातों को 15 मिनट सुने। इस सामान्य आदमी कोई होता तो फोन रख देता, कठोर शब्दों का उच्चारण कर रहे थे। उनका ये कहना था कि आपको इस्तीफा दे देना चाहिए था रात में, जब लग रहा था कि हम अल्पत में है तो आपने इस्तीफा देना चाहिए, पेपरों में ये नहीं छपना चाहिए था कि मुलायम सिंह की सरकार बर्खास्त की गई। तो उन चीजों को बड़ी धैर्यता के साथ वो सुनते थे, ये सामान्य बात नहीं जी। जैसे एक बार हमको घटना याद आती है, इलाहाबाद में वो रक्षा मंत्री थे और बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा था, हजारों लोग थे, तो पिताजी उसकी अध्यक्षता कर रहे थे, वो बोल रहे थे, उन्होंने कहा लोहिया का समाजवाद ये था, लोहिया जी सबको लेकर चलते थे जी। मुस्लिम महिलाओं से कहते थे पर्दे से बाहर आओ, मुस्लिम महिलाओं से कहते थे हम दो हमारे दो, और उसमें कुछ मुसलमान भाई नाराज होने लगे कि ये मजहब के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन नेताजी पूरे टाइम बैठे रहे, सुनते रहे उनकी बातों को। ये सब हमारे मतलब हृदय में, मतलब लग रहा है कि मेरे पास शब्द नहीं बता रहा हूँ कि इतने बड़े दिल के व्यक्तित्व थे वो
जी उत्पल जी, साफ देखा जा सकता था जब प्रदेश में बीजेपी सरकार बनी थी तो खुद मुलायम सिंह यादव खुद वहां पे गए और बड़े प्रेम के साथ योगी जी से मिले थे। उसके बाद योगी खुद भी अपने उनके हालचाल लेने के लिए कई बार आवास पे जा चुके थे, खुद उनसे मिलने गए, और आज खुद गृह मंत्री अमित शाह मेदांता अस्पताल गए, कल राजनाथ सिंह जी गए थे उनका हालचाल कुशल सेम पूछने के लिए। लेकिन फिलहाल कुदरत को जो मंजूर था हुआ, वहीं आज उन्होंने 8:16 पर अपनी आखिरी सांस ली। और ये सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव आज सभी को, देश प्रदेश की जनता को छोड़ के चले गए। बहुत बड़ी क्षति, बहुत बड़ी क्षति है। जी उत्पल जी, जी उत्पल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजनीतिक जगत के दिग्गज नेता मुलायम सिंह यादव आज हम सबके बीच नहीं है, उनका सानिध्य अब प्रदेश की जनता को नहीं मिल पाएगा। बहुत जनता शोकाकुल है, पूरी कोशिश की प्रदेश की जनता ने, हवन किए, यज्ञ किए, पूजा अर्चना की उनके स्वास्थ्य के लिए कि वो जल्दी